तो अरविंद सिंह जी, जैसा आपने बताया कि आपके माताजी ने चुनाव लड़ा और आपने कांग्रेस के सिंबल पे जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर आप SFI में चले गए, तो माताजी आपके सरपंच हैं अभी, जी पिताजी पहले सरपंच रह चुके हैं, मतलब बिल्कुल राजनीतिक आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी आपके अंदर है। नहीं, गांव की राजनीति मुझे लगता है कि वो राजनीति से भी एक इतर विषय है। अच्छा, वहाँ पर राजनीतिक संगठनों का कोई महत्व नहीं है। जी सरपंच का जब चुनाव होते हैं, जी वहाँ पर चुनाव मिलते हैं व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के चरित्र के पीछे जी या उसकी गांव में जो पैठ है उसके पीछे, जी और उसी के पीछे चुनाव होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम इसको सिंबल बेस पॉलिटिक्स से जोड़ कर देखें तो ठीक नहीं है। आपके चुनाव के दौरान बहुत सारे आरोप आपकी ओर से, आपके साथी रविंद्र सिंह भाटी की ओर से लगाए गए अशोक गहलोत सरकार पे कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, उसमें फर्जी वोटिंग या प्रेशराइज्ड वोटिंग का आरोप आपकी ओर से लगा था, तो वो क्या थे? बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने खुद ने देखी है और ये जो चीज़ें चल रही थी मेरी आंखों के सामने चल रही थी। मैं तो प्रत्याशी था, जिस बूथ में जाऊं जहां जाऊं सरकारी मशीनरी का जितना प्रयोग लिया जा सकता था जी वो जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में लिया गया। जो पराकाष्ठा होती है उस हद तक जाकर अच्छा। इन्होंने हर संभव प्रयास किया, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि छात्र शक्ति के मत में इतना बल था जी। जब उन्होंने बैलेट पर ठप्पा लगाकर उस मत पेटी में वोट डाला, वो वोटों की संख्या उनकी मशीनरी की जो प्रयोगों की संख्या थी उससे कहीं अधिक थी।